हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक नया अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और इसमें जो है वो आज आप देखिएगा क्या क्या कर रही हूँ मैं। तो आज अभी मैं दिन में, अभी हम बाहर जा रहे हैं कुछ को लेके, वीकेंड है तो अभी बाहर जा रहे हैं तो इसको थोड़ा खेलना था इसलिए हम लोग जा रहे हैं। लंच करने के बाद हम लोग निकल गए तो अभी हम पार्क में आ गए और यहाँ पे क्या था, आज बहुत अच्छी सी हवा अच्छी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी है हवा भी है और अच्छा मौसम था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये कलर ना मुझे, मैंने इसलिए थोड़ा सा कैप्चर कर लिया और स्काई ग्रीन और पर्पल कलर बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया। और अभी यहाँ पर नहीं रुक रहे हम क्योंकि मेरे घर के ना सराउंडिंग में, मतलब 200 से 300 मीटर के रेडियस पे 4 से 5 पार्क है और ये दूसरी साइड में है, जहाँ मर्जी हम जा सकते हैं, बहुत पास पास में बहुत सारे पार्क्स हैं। तो यहाँ पे आ गए और कुच्चू ने अभी कुछ देर खेला है, अभी ये इन्जॉय करें क्योंकि बच्चों को लेके आना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत दिन से ये आई नहीं थी अपने पापा के साथ तो आज ये बाहर आई है थोड़ा खेलने के लिए। तो आना पड़ता है ना बच्चों को लेके और बच्चों के लिए यही फ़न होता है, छोटी छोटी चीज़ें ही फ़न होती हैं। तो रास्ते में जब हम घर आ रहे थे तो नीचे ही हमारे घर के पास में ऐसे ये यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि बाहर कल्चर मतलब बहुत है, जैसे इंडिया में टी स्टॉल्स हैं ऐसे हर हर एक रेजिडेंशियल एरिया में बहुत सारे ऐसे बार्स होते हैं, लोग नॉर्मली कॉफ़ी चाय और पास में ही खाना वाना खाने चले जाते हैं। तो अभी ये करके हम घर आ गए और मैंने शाम की तैयारी करके गई हुई थी, फिश मैंने बनानी थी आज, धो दी थी और ये मैंने इंग्रेडिएंट वन बता दिया आपको और नमक और हल्दी में मैं इसको टॉस करूँगी फिश को ना। और जो सरसों थी पहले ही मैं भिगो के गई थी, एक दो लहसुन की कलियाँ चाहिए, 2-3 टमाटर और हरी मिर्ची चाहिए। तो आपको पहले लगा के रख लेनी है 10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट ही रखनी है हल्दी और नमक। और इसके साथ ही ये सब चीज़ें आप देखिएगा, सरसों डाल दी, लहसुन डाला, हरी मिर्ची डालिए, टमाटर डालिए, इनको एक साथ आपको पीस लेना। और साथ ही मैं पीछे जो है वो अपने बेटे के लिए ना आपको प्रोटीन पाउडर आप कह सकते हो और वो बना रही हूँ। चिया सीड को मैंने हल्का सा ही करा है कुछ जैसे 10-15 सेकंड के लिए गरम और साथ ही फिर मैंने हेम्प सीड से उनको भी कर रही हूँ और एक साथ में अब मैं फ़िश भी रख रही हूँ, फ़िश को भी आपको फ्राई करना है। और इस तरह से आपका अगर आप लेती हो ना फ्लैट बर्तन तो आपको कम लगती है जो है तेल जो है वो कम लगता है। अब इसमें मैंने पहले इलायची डाली थी उसको हल्का सा गर्म करा है, पम्पकिन सीड्स डाले और वॉलनट्स और काजू डाले हैं और इनको सबको, ये देखिए इलायची है और थोड़ी केसर डाल के इन सबको आपको पीस लेना है। ये मेरा पाउडर तैयार होता है, वो दूध में डाल के पी लेते हैं क्योंकि वो अभी जिम स्टार्ट कर रही थी तो इसलिए उसको वैसे भी बना के रख देती हूँ दूध में मिक्स करके, ये ईजी होता है उसको पीना। तो फिश को मैंने एक साइड पे कर लिया है और ये मैंने मशीन अभी रखी हुई है ना जो मिक्सर है जो, तो उस दिन होता है जैसे मैं मिक्सर में करने वाले कुछ काम होते हैं ना इसके साथ साथ मैं कुछ और भी, मुझे अगर ड्राई भी कुछ पीसना होता है ना तो मैं फिर वो एक ही साथ अभी पीस लेती हूँ। आज मैं इसके बाद अपना ना एक बैक टू बेसिक मैं उसको बोलती हूँ पैक है, वो पैक ऐसा पैक है जो मैं बचपन से लगाती हूँ वो भी बनाऊंगी इसके बाद में। तो ये जो हम एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल लिया बाहर और ये जो सारा मिक्सचर था इसको मैंने पीस लिया था और आपको इसको भूनना है, अच्छे से भूनना है। तो ये बंगाली फिश है, थोड़ा सा अपना मैंने वर्जन भी दिया क्योंकि कुछ लोग इसमें टमाटर नहीं डालते, बट मैंने जिनसे सीखी है वो भी बंगाली से पर वो टमाटर डालते हैं तो इस तरह से मैंने ये उनसे किसी से सीखी हुई है ये रेसिपी। थोड़ा अमचूर डाला अभी मैंने, ये देखिए नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर डाला था और देगी मिर्ची थोड़ी सी डाली है और काफ़ी सारा जब मैंने भून लिया तो थोड़ी सी मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी तो कलर अच्छा हो जाता है इसका। तो अच्छी तरह जब ये भून जाए ना, क्योंकि सरसों कच्ची नहीं होनी चाहिए, सरसों अच्छी तरह भून लेनी चाहिए तभी उसका अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद भूनने के बाद आपको इसमें गर्म पानी ऐड कर देना है और गर्म पानी ऐड करके आपको इसको 10-15 मिनट आप पकाना। तो लास्ट के 5 मिनट में हम फिश इसमें डाल देंगे तो फिश को, क्योंकि वो तो अभी हमने पैन फ्राई करी हुई है तो ज़्यादा कुछ उसको पकाना ही नहीं है, सिर्फ वो फ्लेवर एब्जॉर्ब करेगी। तो अभी ये हो गया, इसने थोड़ा सा रोगन भी छोड़ दिया था, अब मैं इसमें
फिश डाल के इसको 5 मिनट के ढक के रख दूँगी, और लास्ट में आपको इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है। चीनी डाल के आप इसको थोड़ा धनिया डाल देना, मेरे पास आज थोड़ा सा ही था तो हल्की सी चीनी डालनी है, बिल्कुल एक आधा टीस्पून ही काफ़ी है, क्योंकि तीखा है ना, इसमें बैलेंस हो जाता है, फ्लेवर बैलेंस करती है चीनी किसी भी चीज़ के। और आप इसको ढक के रख दो 5 मिनट और सर्व करना 5-10 मिनट बाद ही। तो ऐसे हम ये ना इस तरह से सारा ही ले आओ तो अच्छा रहता है, हम लोग जल्दी खाते हैं, जो घर पे भी हो तो मैं तो जल्दी करती हूँ ना डिनर, तो हम इसलिए मैंने आते ही तैयार कर लिया डिनर। और ये जो एक थोड़ी सी फ़िश मैंने फ्राइड अलग से रखी होती है, ये इस तरह से खाते हैं हम। ये जो ऑयल है जो हमने फ्राई करा है वो थोड़ा सा चम्मच डालो, थोड़े से प्याज, थोड़ा सा नमक, और जो फ्राइड फ़िश है उसके साथ मिक्स करके ये एक थोड़े से चावल इस तरह से खाओ, थोड़े से उस दूसरी फ़िश के साथ। और अब उसके बाद मैंने फटाफट से मेरे बस काम जो था, मेरा आयरन का काम था वो करा और शावर लिया, और शावर लेने के बाद ये मेरा मैजिकल ऑयल है, तो अब अगर मैं करूँगी मैं इसकी भी, ये बहुत है, और एक दो चीज़ें मिक्स करके मैं रात को, बस यही है मेरा रात को लगाने के लिए, यही मेरी नाइट क्रीम है। और डे क्रीम में एक दो अलग चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ, बस ये मिक्स करके मेरा रख लेती हूँ। बट इस बार क्या है कि वो बॉटल्स जो थोड़ी मैंने धो के उसको स्टेरलाइज़ करना है, क्योंकि आप पहले वाला जो ऑयल ख़त्म है ना, वो फर्स्ट लॉट में मेरा ख़त्म हो गया था, सर्दियाँ शुरू होने से पहले ये वाला ऑयल मैं बना के रख लेती हूँ। तो अभी सेकेंड बॉटल पहले ही बननी रख दूँगी, क्योंकि इसको टाइम लगता है थोड़ा सा ना इन्फ्यूज़ होने में, तो बाद में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपको अपने फेस पे हल्का सा मसाज कर लो। मैं आपके साथ कल एक मर्मा पॉइंट के, आपके एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं ना फेस पे, उसके हिसाब से फेशियल कल मैं खुद का भी करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरह से आप जो है आयुर्वेदिक तरीके से अपना फेशियल भी करो, और आपके जो एनर्जी ब्लॉक्स हैं, कि आपके जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में और सॉरी फेस पे, और वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो अभी इसके साथ मैं आपके साथ अपना एक कोलेजन ऑयल भी शेयर कर रही हूँ, ये भी चाहिए अभी आपको, नेक्स्ट मैं कुछ वीडियोस में बताने वाली हूँ कुछ चीज़ें, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर जो बना सकता है तो वो बना लो। तो ये कोलेजन ऑयल बहुत ही बढ़िया है ये, पर मैंने लास्ट ईयर बना के रखा हुआ था, लास्ट ईयर की ये छोटी सी वीडियो है जो मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ, तो बहुत ही बढ़िया, आप इसको खा भी सकते हो, एक चम्मच गर्म पानी के साथ ले भी सकते हो, एप्लीकेशन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, और खाने के लिए बहुत, आपके नी पेन हो रहा है तो मेनली कोलेजन की जो फॉर्मेशन है ना उससे, इससे ज़्यादा बढ़ती, उसमें हेल्प करता है। ये नहीं कि आपको 100% कोलेजन मिल जाएगा जितना चाहिए, बट आप सप्लीमेंट भी लेते हो तो ये भी ले सकते हो। तो पहले मैं यही लेती थी, अब आजकल मैंने जो है इसी बार मैंने कोलेजन की जो है बॉटल मंगाई है, तो वो मैं ट्राई करूँगी। तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए चिया सीड है, फ्लैक्स सीड्स है, और फ्रेश एलोवेरा है, इन सबको आप मिक्स कर लेना, और इसमें तीनों तरह के तेल डालने हैं, यहाँ पे कोकोनट ऑयल है, सेसमी ऑयल है, और एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है। और आपको सेसमी ऑयल एक हिस्सा, कोकोनट हिस्सा डबल, और जो है एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल वो भी डबल लेना है। तो आपको इस तरह नमक बिछा देना है, उसके ऊपर आप रख लो इसको, और स्लो हीट पे इसको पकने दो। मैं तो इसको 5-6 घंटे पकाती हूँ, अगर आप 2-3 में भी आपका हो जाता है, पर स्लो रखना, क्योंकि हाई फ्लेम पे ना इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इसका एक स्मोकिंग पॉइंट है, उससे अगर ऊपर गया तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और धीरे धीरे जब आपकी जो एलोवेरा है बिल्कुल स्क्वीज़ हो जाए, अभी बड़े बड़े पीसेस दे रहे हैं आप, देखो स्क्वीज़ होना शुरू हो गई ना, जब पूरी तरह से ये स्क्वीज़ हो जाए तो दैट मीन्स आपका ऑयल बन गया। फिर आप इसको 5-6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दो, और उसके बाद ड्रेन करो और अपनी किसी बॉटल में भर के रख लो। ये काफ़ी सारा मैंने मेरा था, ये मेरा कम से कम 6 महीने से भी ज़्यादा ये चला था ये ऑयल, क्योंकि इसका एक टीस्पून ही आपको, छोटा सा टीस्पून ही लेना है। तो ये आप ऑयल देखना, ट्राई करना, और साथ ही मैं इसके साथ ही मैंने ये क्रीम जो है ना, सिंपल सी क्रीम है ये भी मैंने बनाई थी, तो मैं बता रही हूँ, इसमें थोड़ा सा यही कोलेजन ऑयल डालो, एलोवेरा जेल डालो, बस हो गया। और इसमें थोड़ा हल्का सा ना कैस्टर ऑयल भी मैंने बाद में मिक्स करा था, तो जब ये बन गई थी, क्योंकि मेरे पास इस टाइम था नहीं, आधा टीस्पून सिर्फ डालना, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा, उसके बाद आप इसे डैप करके टिश्यू से हटा दो, थोड़ा एब्जॉर्ब कराने के लिए। डे क्रीम ये इस बस इतना ही, और नाइट क्रीम में क्या है, थोड़ा सा आप इसमें एलोवेरा डबल लेनी, ज़्यादा लेनी है ऑयल, एलोवेरा, और ये है मेरा सैंडलवुड ऑयल और टी ट्री ऑयल।
सैंडलवुड के भी 2 से 3 ड्रॉप, और कुछ एक आप ना चेक कर लेना, क्योंकि कईयों इसका ना अपनी अपनी जो स्किन की सेंसिटिविटी होती है, और जो आपके एसेंशियल ऑयल है वो आप कभी भी धूप में या बाहर निकाल लगा के नहीं जा सकते, तो वो आपका रिवर्स करता है, अफेक्ट नहीं, बल्कि आपके और पिगमेंटेशन हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि ये जब सनलाइट के बिना ना अंदर ये रिपेयर करते हैं उन एरियाज़ को। तो ये नाइट क्रीम तैयार हो गई है, तो अभी आप ये भी बहुत बढ़िया है। और ये मेरा जो है पैक, जो कल मैं आपको फेशियल बताऊंगी, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि पहले ये बता लूँ, ये चने के छिलके हैं, जो आप चने खाते हैं ना, मसूर की दाल, चने के छिलके और चिरौंजी, और इसमें मैं ये मैंने पाउडर जो है, ये ऑरेंज पील पाउडर है, तो वो आप यूज़ कर लेना। ये मेरा बैक टू बेसिक, इसको मैं पैक बोलती हूँ, ये मैं शुरू में फ़र्स्ट पैक यही बनाया था अपनी ज़िंदगी में, जब मैं 14-15 साल की होंगी ना, तो ये इतना इफेक्ट तब, और तब से मैंने कभी फेस पे साबुन नहीं लगाया, आज तक भी फेस पे साबुन नहीं यूज़ करती। तो ये वो वाला पैक है, ये मतलब बहुत ही मेरे को पसंद है। तो ये आपको अगर लगे ना इसमें कम है पाउडर, तो 1-2 चम्मच और डाल दो आप बस। अभी मैंने 1-2 चम्मच डाल के इसको ड्राई फॉर्म में भर के रखा है, ये इतना सा आपका बहुत दिनों तक चल जाएगा। तो आज का ब्लॉग बस मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।